जी आज हम रियाज साहब के पास मौजूद हैं, अभी इनसे एक तारफ़ लेते हैं। तो रियाज साहब ने, ये एक कमर्शियल एरिया है, बड़ी एक पोश कॉलोनी, उसके जो है ना कमर्शियल प्लाजे में जो है ना इन्होंने रखा हुआ है। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरह इन्होंने मैनेज किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं? चलें अभी हम चलते हैं, देखते हैं कि चिक्स कैसे रखे हुए हैं इन्होंने। ये रियाज साहब ने एक सिस्टम रखा हुआ है जी, जो भी बंदा इनके फार्म में जाता है उनको स्टेराइड करते हैं। ये कमर्शियल प्लाजा जी, इसकी बेसमेंट में बड़ा ही खूबसूरत सेटअप बनाया हुआ उन्होंने, बहुत कम रिसोर्सेज के साथ इफेक्टिव सॉल्यूशन मैनेज किया हुआ। ये जी आ रही है, माशाल्लाह चूजा चल रहा है ऑर्गेनिक वैली के जो है ना फार्म का। तो ये बड़ा खूबसूरत सा ब्रूडर इन्होंने बनाया हुआ, ये 31.8 टेम्परेचर चल रहा है और बहुत अच्छा निज़ाम मैनेज किया हुआ। ये रियाज साहब ने जी अपना ब्रूडर भी लगाया हुआ, इसमें माशाल्लाह अंडे लगे हुए हैं। और ये देखें, ये कब निकलेंगे जी? ये निकल रहे हैं तकरीबन, अभी निकले हुए हैं इसमें। अच्छा, ये आप अगर हमें दिखा दें, ये बतख के अंडे लगाए हैं जी। रियाज साहब का माशाल्लाह शौक है चूज़ों के अलावा बतख और बाकी चीज़ों को भी मैनेज कर रहे हैं। और ये देखें कितने खूबसूरत और प्यारे बतख के बच्चे हैं, बहुत ही माशाल्लाह मैनेज्ड एक्टिविटीज चल रही हैं। और ये रियाज साहब, मेरा ख्याल है आपने ऑर्गेनिक वैली की ही फीड डाल रहे हैं। हाँ जी, इसको थोड़ा सा दिखा देते हैं। हाँ जी बिल्कुल, बस इसको जो। और ये रियाज साहब जी, फीड भी हमारी ऑर्गेनिक वैली की जो स्पेशली डिज़ाइन फॉर ऑस्ट्रेलिया बोर्ड आ रही आ रहा है वो डाल रहे हैं। तो अभी हम रियाज साहब से शुरू करते हैं इंटरव्यू। सर आप अपना नाम और शहर बता दीजिएगा। मोहम्मद रियाज, मैं गुजरांवाला कनाल व्यू। अच्छा, कनाल व्यू में आप काम कर रहे हैं। और कितनी देर से आप ये फार्मिंग का बिजनेस कर रहे हैं? ये तकरीबन 2 माह हुए मुझे। 2 माह हुए, ठीक है। और आपने, आप बता दीजिएगा कि आपने ऑर्गेनिक वैली से क्या लिया था और कब आपने लिया था? मैंने पहले तो अंडे लिए थे, वो बच्चे इधर ही हमने निकाले थे, ये हमारे पास मशीन पड़ी है। तो उसका अंडों का रिजल्ट कैसा रहा था आपका? वो तकरीबन 65-70% तक आपके हैच हुए थे, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या ऑर्गेनिक वैली से बाय किया ना? उसके बाद मैंने 600 ये चूजा लिया। माशाल्लाह जी, तो माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं चूजे, सही आपके है। सामने हैं जी जी, माशाल्लाह। तो आपने ये सब 600 चूजा लिया था? हाँ जी। तो ये अभी तक इसमें से कितने मरे हैं और कितने दिन के हो गए? ये 5 दिन के हो गए, 5-6 दिन के। जी जी, ये तकरीबन 10 से 12, 600 में से 10-12 मरे हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह। तो आपने रियाज साहब जो चूजे लिए थे, इनमें किस तरह के चूजे थे? ये ए ग्रेड थे क्या? ये सारे तकरीबन ए ग्रेड ही हैं। मतलब इसमें कोई छोटा, कोई लंगड़ा, इसी तरह का कोई? एक जैसे हैं, छोटा बड़ा नहीं है, सारे एक जैसे थे माशाल्लाह, सही है। अच्छा रियाज साहब, अगर मैं बात करूं, कभी 6 दिन हो गए हैं और वैसे आप पहले अंडे भी हमसे लेते रहे हैं, ये 6 दिनों की जो परफॉर्मेंस है चूजों की, आप इससे मुतमिन हैं? हाँ जी बिल्कुल मुतमिन हैं। हाँ, तो आपने कभी ऑर्गेनिक वैली के फार्म वगैरह भी विजिट किए हैं? विजिट किए हैं माशाल्लाह, बड़ा अच्छा फार्म है। हाँ, तो कुछ थोड़ा सा बता, वही देख के मैंने ये काम शुरू किया। वही देख के शुरू किया, तो कैसा लगा था आपको वो सिस्टम? बड़ा अच्छा फार्म है माशाल्लाह। हाँ ठीक है। तो आप इसको ऐसा फीड कौन सी डाल रहे हैं जिसपे आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा? ये फीड मेरे पास पड़ी है R90, बड़ी अच्छी फीड है। हाँ, ये मैं यूज कर रहा हूँ, ये ऑर्गेनिक वैली की फीड ही ये यूज कर रहे हैं। ये जो फीड है हमने कस्टमाइज आ रही है और ऑस्ट्रेलिया के लिए डिजाइन करवाई है, क्योंकि मार्केट में जो फीड मिलती है वो कमर्शियल फीड होती है, जो ब्रायलर गोल्डन मिचली के लिए होती है। और आर आई आर और ऑस्ट्रेलिया का जो चूजा है और इसका जो बर्ड है उसका वेट और रिक्वायरमेंट कुछ और होती है। उसके बाद रियाज साहब, ये क्या आपका मेन बिजनेस है या आपका मेन बिजनेस क्या था तो अभी आप फार्मिंग की तरफ आ गए हैं? नहीं, मैं तो वैसे प्रॉपर्टी का कर रहा हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी डीलर है। प्रॉपर्टी, मैंने देखा बड़े माशाल्लाह गुजरांवाला के पॉश एरिया में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, लोग नॉर्मली कहते हैं कि रेंट पे दे दे, तो आपने माशाल्लाह चूजे डालनी है। हाँ जी, मैंने अपने बेटे को शुरू कराया, जैन को। अच्छा, वो भी साथ ही खड़ा है। जैन, अभी हम जैन साहब को इनवाइट करेंगे। हाँ। ये जी माशाल्लाह वेरी यंग बॉय जैन साहब हैं, इन्होंने शुरू किया है जी, आपके बाबा ने आपको बिजनेस शुरू करके दिया, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इनका चूजों का अभी तक? अलहमदिल्ला अच्छा जा रहा है, बाबा यहाँ के साथ हेल्प कर रहे हैं, साथ आप माशाल्लाह एक्सपीरियंस, आप जी बहुत शुक्रिया। तो आपने इस बिजनेस को कैसा पाया, ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है या मुश्किल है,
किस तरह बिजनेस पाया आपने? मुश्किल तो नहीं, कोई भी काम है आपने स्ट्रगल करनी पड़ती है स्टार्टिंग में, वो भी जाहिर है अभी स्टार्टअप में हम कर रहे हैं साथ, आप जैसे भाई उनसे हम वो हेल्प कर रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कल अच्छा करें इंशाल्लाह जी। तो आपके जैन फ्यूचर प्लान क्या है इस फार्मिंग को लेके? फार्मिंग को इंशाल्लाह हम एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आप बाबा ने बताया पहले आपसे एग लिए थे, अब साथ चिक्स लिए हैं 600, इंशाल्लाह उधर पीछे हमारी जगह है वहाँ पे फार्मिंग का तैयार कर रहे हैं, उम्मीद है कि और एक्सपेंड करेंगे। माशाल्लाह, तो आप किसी और फार्मर को रिकमेंड करेंगे ये बिजनेस के? नहीं, ये पार्ट टाइम जो बिजनेस भी देखा जाए तो आप कोई और बिजनेस कर रहे हैं तो साथ छोटा सा आप अपना सेटअप घर भी कर सकते हैं ये, इसके अलावा अगर आप मेन बिजनेस में आना चाहें तो फिर भी अच्छा बिजनेस है। तो आपने ऑर्गेनिक वैली को कैसा पाया, जब आपने इनसे अंडे लिए चिक्स लिए तो कैसा पाया आपने ऑर्गेनिक वैली को? नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा है, पहले हमने सर्च की थी थोड़ी वेबसाइट वगैरह आपको ऑर्गेनिक मार्केटिंग वगैरह देख के, फिर आप फार्म विजिट करके माशाल्लाह सब अच्छा लगा इस तरह से, फिर आपका सही है। तो अब एक नॉर्मली होता है कि जब बंदा कोई बाइंग कर लेता है, चिक ले लेता है, अंडे ले लेता है, उसके बाद सपोर्ट उस तरह नहीं मिलती, तो आप मुझे बताइएगा रिया सब के आपको कैसा लगा जब चिक्स खरीद लिए, उसके बाद भी ऑर्गेनिक वैली की सपोर्ट को बेहतर रही, किस तरह सपोर्ट किया? हाँ जी, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं आप हमें, ये है कि मेडिसिन का भी आप हमें बता रहे हैं और इनका जो फीड है वो भी हम आपसे ले रहे हैं, बड़ी अच्छी फीड है, ग्रोथ इनकी बड़ी अच्छी है, चूज़ों की जो फीड हम इनको डाल रहे हैं उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है इनकी। सही है, तो क्या जैन मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, आखिरी सवाल है कि आप से अगर कोई और बंदा पूछे तो आप उनको ऑर्गेनिक वैली रिकमेंड करेंगे? डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि आप मतलब काफ़ी सपोर्टिव हैं, जिसमें बाबा ने कहा कि आपने हमें पूरा प्लान दिया हुआ है, फीड प्लान दिया हुआ है, आप इस टाइम उनको ये फीड देनी है, इस टाइम उनको ये वैक्सीनेशन देनी है, माशाल्लाह काफ़ी सपोर्टिव है, हम डेफिनेटली रिकमेंड करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।